आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। मूली हम लोग खाते हैं और उसका जो पत्ता होता है उसको ज्यादातर लोग फेंक देते हैं। इनफैक्ट मूली खरीदते वक्त ही वो लोग मूली का पत्ता वहीं पे फेंकवा देते हैं। और फूल गोभी के पत्ते तो पूरे ढेर लगे होते हैं मार्केट के बाहर में, सारे लोग फूल गोभी खरीदते हैं, पत्ते को फाड़ के फेंक देते हैं। और ये दोनों को फेंकना नहीं चाहिए, ये काम के चीज है। और आज मैं बताने वाला हूँ मूली पत्ता और फूल गोभी का पत्ता का फायदा क्या क्या हो सकता है। देखिए ये पत्तों को हम लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं, पर पहले देखते हैं फायदा कैसे 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 कंज्यूम करेंगे, पीछे बताऊंगा, पहले फायदा समझते हैं। मूली पत्ता में 28 कैलोरी होता है और इसमें फाइबर काफी परिमाण में होता है, इसलिए उसको हम लोग को लेना चाहिए। इसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन होती है। अगर 100 ग्राम मूली पत्ता ले लिया जाए, पूरे दिन के विटामिन जो ए है, बीटा कैरोटीन जिसको बोलते हैं, पूरे दिन के विटामिन ए आ जाती है और काफी सारा विटामिन सी आ जाती है। तो मूली पत्ते को फेंकना नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये, हमारे जो रोग को रोकने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। और वेट लॉस के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत अच्छा है, अगर मूली पत्ता खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। और हार्ट की बीमारी को भी प्रिवेंट करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होती है जो हमारे बहुत काम की चीज है, हमारे डीजनरेशन हमें उसको रोकती है, हमारे एजिंग को रोकती है, हमारे को यंग बनाने का काम करता है। और आंख की पावर भी इम्प्रूव करती है, आंख की आई साइट को इम्प्रूव करती है क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन बहुत परिमाण में होता है। तो मूली पत्ते को आप फेंकिए मत, मूली पत्ते को जरूर इस्तेमाल करिए। और सेम अप्लाइज टू फूल गोभी के पत्ते, फूल गोभी के पत्ते भी हम लोग फेंक देते हैं। उसमें एक बात बता दूं, बहुत आयरन होती है, फाइबर भी बहुत परिमाण में होती है, प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में होती है, करीब 5-6 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है फूल गोभी के पत्ते में। और इसमें डाइट्री फाइबर भी 2 ग्राम होती है और इसमें आयरन बहुत होती है, आयरन का क्वांटिटी बहुत होता है। तो इसमें जिनको भी एनीमिया स्पेशली लेडीज में ये काम करती है। इसमें कैलोरीज करीब करीब जो फूल गोभी के पत्ते हैं उसमें कैलोरीज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो इसमें करीब 66 कैलोरीज होती है 100 ग्राम में। इनके फायदे क्या क्या है, फाइबर के वजह से कॉन्स्टिपेशन, कैंसर रोकना ये काम होती है। इसमें कैल्शियम काफ़ी होती है तो वो भी एक फ़ायदे का काम है। और इसमें आयरन है तो हमें एनीमिया से रोकती है। और कैसे लें वो बता दूं, देखिए दोनों की सब्जियां बन सकती है आराम से। मूली पत्ते की सब्जियां तो मैं बहुत खाया हूं और पत्ता गोभी के, फूल गोभी के पत्ते के भी सब्जियां बनती है। अगर आपको सब्जी नहीं खाना है तो उसको सलाद के परिमाण में अच्छे से धो के सलाद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इनको पीस के इनका चटनी, इसमें प्याज और अदरक और लहसुन मिला के चटनी बना सकते हैं, वो भी बहुत फायदे की चीज़ है। इनको डाल के स्मूदी बना सकते हैं, आजकल स्मूदी के अलग तरीके आ गए हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिक्सी आ गए हैं। पूरे चीज़ को एकदम इतनी छोटी बारीकी से लोग पीस देते हैं कि इसमें स्मूदी बन जाता है और ये बहुत हेल्दी माना जाएगा। अगर आप नहीं सकते हैं ये सब करना तो आप एक काम कर सकते हैं, इनको सुखा के इनका पाउडर बना लीजिए और जब सब्जी बने तो इसमें इस पाउडर को इस्तेमाल करिए। तो आप मूली पत्ता और गोभी पत्ते को अब से फेंकना नहीं है, इसको काम में लेना है। आज यहीं तक हम इस बात को ख़त्म करते हैं, बट आपके लिए एडवाइस है इनको वेस्टेज ना करें, ये काम की चीज़ है और आपके लिए फ़ायदा करेगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सबके काम की बात है इसमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर बिमल छाजेड आज विदा लेता हूँ। मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। और हम बोलते हैं कोई भी हार्ट का पेशेंट जो बाईपास एंजियोप्लास्टी करा भी चुका है उनको भी हमारे लाइफस्टाइल वाला पार्ट फॉलो करना चाहिए। तो उनको हमारी वीडियोस रेकमेंड करिए आप और हमारे वेबसाइट से हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।